अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, सावन के शुभ मंगल दिनों में किसी भी दिन ये सात मिर्च से करें ये काम। इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, नजर दोष पितृ दोष खत्म होगा, धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सात मिर्चों का ये उपाय सावन में ही करना है। दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप छांव से भरा है। कभी ये पल्ला भारी होता है तो कभी वो। चुनौतियों के दबाव से कई मौकों पर लोग टूट जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि जितनी समस्या सामने हैं उनका वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे कम नसीब वाले इंसान है। लेकिन ऐसी जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। व्रत आदि तथा धार्मिक संकल्प व पूजा पाठ कुछ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारी नजरों के सामने होती हैं और जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें हमें समस्याओं से निजात दिला सकती है, लेकिन हमें इनके उपाय के बारे में पता नहीं होता। असल में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए रोज घर में उपयोग होने वाली चीजों से ही हम अपनी जिंदगी से कई दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं। इन उपाय से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खूब परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही तो आप लाल मिर्च के ये उपाय जरूर आजमाइएगा। ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों, कई बार हमारा ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ता है जो होते तो अपने ही हैं, परंतु ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई। इनकी नकारात्मकता का असर हमारे कार्यों पर पड़ता है और दिनचर्या पर भी पड़ता है, नुकसान आदि होने लगते हैं। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्च का ये उपाय जरूर आजमाइए। दोस्तों, आप 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्च लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सर से 5 बार जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमाइए और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में जमीन में गड्ढा करें और गड्ढे में उस मिर्च को डाल दें और ऊपर से मिट्टी दबा दें। दोस्तों, ध्यान रहे, ये उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, फिर वापिस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ये उपाय भले ही आपको साधा सिंपल लगे लेकिन बड़ा ही असरदार है। ये उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं का नाम मिटा देगा, उन्हें परास्त कर देगा। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते में उन्हें लांग कर कदम आगे बढ़ाइए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें, उस पानी में सूखी लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें और गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारे, यानी के बाएं हाथ में लेकर जिस ओर घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा लें, फिर उस पानी को घर से दूर जाकर कहीं फेंक दें, फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वो दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता, तो ऐसे में ये उपाय जरूर आजमाइएगा। दोस्तों, 7 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं न कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे आपकी बुरी बातें ही नहीं करते बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफें उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च लें, साथ में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें। दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उनका नाम लेते हुए अपने सर से या पीड़ित के सर से 7 बार घुमा लें और फिर घर से बाहर जाकर इसे फेंक दें।
दोस्तों अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च, फिटकरी और काले तिल एक कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहें। जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए इस क्रिया को दोहराते रहें, या फिर आप लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। ये स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज कम होने की बजाय बढ़ जाता है, उसे चुकाने जितनी आमदनी हो नहीं पाती, या फिर आपसे किसी ने उधार या फिर कर्ज ले रखा है और वो व्यक्ति बार बार मन्नतें करने के बावजूद भी व्यक्ति आपको धन नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे में हर रोज सुबह सूर्य नारायण को जल अवश्य दे। दोस्तों लोटे के पानी में लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करें। ऐसे में अगर आप खुद 21 दिन तक ना कर पाएं तो आपके बदले आपके घर का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दोस्तों सूर्य नारायण को अर्घ देते समय आप अपनी समस्या कहें और संकट मोचन की उनसे प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कर्ज उतरता चला जाएगा, कहीं ना कहीं से अचानक ही पैसों का जुगाड़ होता चला जाएगा और आप समय पर बैंकों की किस्त भी भर पाएंगे। और अगर किसी के पास आपका धन अटक गया है तो वो व्यक्ति खुद चलकर लौटाने अवश्य आएगा। दोस्तों अगर आपकी रोजगार संबंधित कोई समस्या है, कामकाज ठीक नहीं चलता है, व्यापार में लगातार घाटा हो जाता है, तो ऐसे में मिट्टी के 3 दीपक लें। इन दीपकों में पीली सरसों, काले तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया रखें। हर दीपक में 1 लाल मिर्च डाल दें। इन तीनों ही दीपकों को आप अपने कार्यस्थल पर रख दें। दोस्तों आपके कामकाज में आ रही बाधाएं, मुश्किलें सब समाप्त हो जाएगी, कारोबार को गति मिलेगी। इसके साथ ही एक काम और करें, बाधाओं को जड़ से दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने लेकर आप एक बर्तन में पानी में डाल दें और अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारकर इसे किसी रास्ते पर फेंक दें। इससे आपके सभी कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरे हो जाएंगे, अड़चनें समाप्त हो जाएगी। दोस्तों समस्याओं से मुक्ति दिलाने में लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ज्यादा ही कारगर साबित होते हैं और इसके परिणाम भी शीघ्र मिलने शुरू हो जाते हैं। लाल मिर्च बरसों से नजर उतारने के काम भी आती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति या बच्चा अगर किसी नजर दोष से पीड़ित है तो ऐसे में 7 साबुत लाल मिर्च लें और थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक और लकड़ी का कोयला तथा 1 हल्दी की गांठ ले लें और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 5 बार घुमाकर जलते हुए चूल्हे में डाल दें। दोस्तों या फिर आप किसी और जगह पर इसे जला दें, इससे नजर दोष हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। दोस्तों वहीं अगर आप और आपके अपने लगातार बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे में बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो किसी शनिवार की रात को 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल और 7 जायफल और फिटकरी के छोटे छोटे 7 टुकड़े ले लें और इन सबको लेकर एक लाल कपड़े में बांध कर उसकी पोटली बना लें और अपने घर में रख दें। दोस्तों दूसरे दिन सुबह घर से बाहर निकलते हुए भगवान का ध्यान करें, विघ्न निवारण हेतु प्रार्थना करें, बीमारियों से छुटकारा दिलाने की विनती करें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ पर जाकर उसकी जड़ों के पास मिट्टी में दबा दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें, आपकी सेहत संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक बार में ही ये उपाय फल देने लगता है, लेकिन याद रहे आप अपनी दवाइयां ठीक समय पर लेते रहें और खान पान में सावधानी बरतें। दोस्तों कई बार अचानक ही बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं, किसी का अच्छा चलता व्यापार अचानक से बंद होने के कागार पर आ जाता है, ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकान अचानक से खाली रहने लगती है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, तब ऐसे में ये उपाय आजमा लें। दोस्तों 7 कच्ची लाल मिर्च और 1 नींबू ले लें। अब इन्हें काले धागे में पिरो लें। अब इन्हें अपने कार्यस्थल पर या फिर घर के मेन दरवाजे पर टांग दें और हर हफ्ते इसे बदलते रहें, हर शनिवार को बदलते रहें और हर शनिवार को ही ये उपाय करते रहें। दोस्तों इससे आपके कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके व्यापार में लगी नजर उतर जाएगी, हर प्रकार की बाधाओं से आप बाहर आ जाएंगे, फिर से आपके अच्छे दिन आप देख पाएंगे।
जब आप द्वार पर ऐसे नींबू मिर्च टांग देते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके कार्यस्थल पर प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, बड़े से बड़े दुखों को मात देंगे ये उपाय, जरूर आजमाइए और अपने कष्टों से निजात पाइए। जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।